अरे लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, हम बैठकर चर्चा करेंगे कहाँ कमियां रह गई, क्योंकि पूरी ताकत से चुनाव लड़ा फिर भी कामयाब नहीं हो सके, इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। और बहरहाल पब्लिक ने हमको जो मैंडेट दिया है वो विपक्ष में बैठने का दिया है। अगर बदलाव होता, युवाओं को आगे लाया जाता तो इसका फायदा मिलता है, वो तो चर्चा पार्टी का काम है, लेकिन हम लोग अपना फीडबैक देंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत जल्द आने वाले हैं, तो जो भी हम लोगों को डिस्कशन करना है पार्टी प्लेटफॉर्म पर करेंगे। लेकिन मैं इतना मानता हूं कि हमें पूरी ताकत से पूरी हिम्मत से अच्छा चुनाव लड़ा फिर भी हम कामयाब नहीं हुए, इस बात का हमें खेद है। आपने पहले भी अपनी बात प्लेटफॉर्म पर रखी है पार्टी में, एक बार फिर से प्लेटफॉर्म पर रखने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो पार्टी में चर्चा करनी पड़ेगी ना भाई, इतना बड़ा चुनाव हुआ है फिर चुनाव आ रहे हैं और लगातार हम लोग काम करते रहे फिर भी हम कामयाब नहीं हुए, इस बात का खेद कार्यकर्ताओं को भी, हम सबको है। लेकिन हम लोग एक मजबूत विपक्ष आज हैं और पूरी ताकत से जनता के बीच में रहकर नई सरकार को काम करने के लिए मजबूत करेंगे। 23 की हार से 24 और 28 के लिए कितने तैयार हैं? हम तो अभी चुनाव खत्म हुआ है लेकिन पार्टी के स्तर पर हम सभी कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हैं हर चुनौती का सामना करने के लिए। यह है सचिन पायलट जिनका कहना है कि इस हार से हमने समीक्षा लिया है, पार्टी प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी बात रखूंगा और पार्टी में पहले भी अपनी बात जो रखी है वो प्लेटफॉर्म पर। रवि स्टेलर, NDTV टॉक।